वेलकम बैक एवरीवन। और तुम तो सोच रहे होगे कि मैं छोटे से कमरे में क्या कर रहा हूँ, और अगर नहीं भी सोच रहे होगे तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा और तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। तो यार, मैं और मेरा भाई माइनिंग के लिए साथ में गए थे और हम लोग को वहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स मिले, खुद ही देख लो कितने सारे डायमंड्स हैं। तो मैंने अपने भाई से कहा हम आधा आधा बांट लेते हैं, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया जिससे वो मेरे सारे डायमंड्स ले सके, और उसने मुझे मार दिया। और मारने के बाद उसने मेरे घर और मेरे डायमंड्स दोनों ले लिए। तो अब हम लोग को हमारे घर और डायमंड्स वापस लेने होंगे। तो वो लेने के लिए मेरे पास पहला प्लान है कि मैं सीधा उस घर में घुस के उस अपने सारे डायमंड्स और घर वापस ले लूँगा। उसके पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई घर में है तो नहीं, क्योंकि अगर घर में वो हुआ तो वो मुझे मार सकता है, और मैं वो नहीं चाहता, मुझे अपना घर चाहिए। तो मैं गेट तक पहुँच गया। चलो गेट, ओह शिट, ये तो बाहर ही था, इसने मुझे। पिछली बार तो वो एकदम गेट पे खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा था, उसने मुझे मार दिया। पर कोई बात नहीं, इस बार मेरे पास लेदर आर्मर है और मेरे पास एक प्लान बी है। और मेरा प्लान बी ये है कि मैं पहले उसके घर के सामने जाके नज़र रखूँगा कि वो जाएगा कहीं कि नहीं, उसके बाद अटैक करूँगा। तो मैं उसे एक पेड़ के पास आ गया हूँ, यहाँ पे शायद से ऊपर चढ़ सकते हैं। मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ और मैं यहाँ फंस चुका हूँ। तो मैं पेड़ के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे वो दिख तो नहीं रहा अभी। हाँ, वो दिखा मुझे कि क्या कर रहा है, शायद से कुछ लगा रहा है। और ये दूसरे कमरे में जाए, स्टेयर्स के पास आ गया, ये नीचे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये घर छोड़ के कहीं जा रहा है, तो मेरे पास ये अच्छा मौका है कि मैं इसके घर में घुस सकता हूँ। हाँ, ये बाहर जा रहा है, तो मुझे इसे देखते रहना होगा कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दूर नहीं जाता तो मैं घर के अंदर नहीं जा सकता। ये शायद ये नेदर पोर्टल की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक नेदर पोर्टल है। हाँ, ये नेदर पोर्टल में गया, और अब यही टाइम है मेरे पास अंदर जाने का, तो मैं अंदर जाता हूँ। यहाँ मैं गेट खोला, ये तो इस चेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, खाने का सामान था, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। ओ, इसमें एक ट्राइडेंट मिला इस चेस्ट में, मेरे को ट्राइडेंट ले लेता हूँ, मुझे बाद में काम आ सकता है। और इसमें पूरा एक गोल्ड और आयरन का आर्मर है, मैं आयरन आर्मर ले लेता हूँ जल्दी से, मुझे गोल्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ कि अगर कोई चेस्ट है तो मैं वहाँ पर ले लूँ। शायद से यहाँ कोई चेस्ट नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे एक एन्चैंटमेंट टेबल रखी है पर चेस्ट नहीं दिख रहा। ओ, यहाँ पे पूरा डायमंड आर्मर का सेट है, मुझे जल्दी जल्दी लेना होगा। मैंने डायमंड आर्मर ले लिया है पूरा सेट, और अब मैं इसको पहन लेता हूँ, क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो कम से कम मेरे पास डायमंड उससे लड़ने के लिए डायमंड आर्मर का सेट हो। और मैं नीचे ऐसे कुछ टहल रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए, पर यहाँ पे वो नेदर से वापस आ चुका है, बस मुझे देखने लगे, उसने मुझे देख लिया और हम लोग को फाइट हो रही है। शिट, मुझे इसको मारना होगा वरना ये मुझे मार देगा, और ये मैं इसको मार नहीं पा रहा। मैं बहुत 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 बेकार तरीके से खेल रहा हूँ, इसलिए शायद ये घर उसके पास चला गया। पर ये मुझे बार बार मार दे रहा, पर मैं एक बार भी नहीं मारा। शिट, मर जाओ मर जाओ। A few moments later. तो हाँ, मैं वहाँ मर गया था और जीत नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान सी है। और मैं अब क्या करूँगा कि मैं बहुत सारे वुल्फ को टेम करूँगा और फिर उन सारे वुल्फ के साथ उस पर अटैक कर दूँगा और अपना घर और डायमंड्स वापस ले लूँगा। तो चलो चलते हैं। तो मैं आसपास के मोहल्ले से सारे कुत्ते ले आया हूँ, और अब मेरी आर्मी खड़ी हो गई, डॉग आर्मी। तो अब मैं जाता हूँ, बस अपने भाई पर अटैक करता हूँ। तो मैं घर पे आ गया हूँ, और यहाँ पे वो मुझे दिख गया, मेरा भाई फार्म में कुछ कर रहा है। मैं इसको पीछे से मारता हूँ, फिर मैं सारे डॉग इस पर अटैक कर देंगे। जाओ अटैक करो, जाओ। क्या, अरे ये लोग तो चल ही नहीं रहे, जाओ अटैक करो इस पर। अरे वो भाग रहा है, मुझे पहले उसको पकड़ना होगा। मैं इसको मारता हूँ, अब मारा अभी, शायद मेरे डॉग्स को मारेंगे। ये क्या हो रहा है, ये लोग तो खड़े हैं, ये लोग कुछ कर ही नहीं है, गधे हैं सब, मुझे इसे पकड़ के मारना पड़ेगा। 2000 years later. मैं बहुत देर से भाग रहा हूँ, और मेरा भाई अब मुझे मिला, मैं इसको मारता हूँ। जाओ हमला करो, डॉग मेरे डॉग्स पे हमला ही नहीं कर रहा, मुझे अपने डॉग्स को ही मारना पड़ेगा। मैं एक एक करके अपने सारे डॉग्स को मार दूंगा। फिर मैंने एक को मार दिया, जल गया। मैं पहले अपने डॉग्स को मारूंगा, फिर मैं अपने भाई से निपटूंगा। मेरे बदतमीज डॉग, मेरे उनने मुझे धोखा दे दिया, मेरे भाई की तरह। मुझे लगता है ये मेरे भाई की तरफ से थे, कहीं मेरे भाई ने तो इनको नहीं भेजा था मेरे पास। कोई बात नहीं, पर मैं अभी इसको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ मारने की। तो यार, मैं अपने भाई को पीछे छोड़ा आया हूँ, यही चांस है कि मैं इस घर पे कब्जा कर लूँ। और मैं जाता हूँ यहाँ पे ऊपर। अरे ये क्या, यहाँ पे शल्कर बॉक्स है शायद से, मुझे लगता है यहाँ से कोई रास्ता होगा। तो हाँ, यहाँ पे था रूम, मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ होगा। और ये कहाँ जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बैरल्स हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। और इस वॉल में डायमंड्स मिल गए गाइस, मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिल गए। यस, फाइनली मुझे अपने डायमंड्स मिल गए। और इस वाले बैरल में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्यों खाली है मुझे पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे कुछ नहीं, तो इधर तो इन सब बैरल्स में कुछ नहीं है। और
तो मेरा भाई वापस आ गया, मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी भागना होगा, मुझे उससे फाइट नहीं करनी, मैं शायद से हार सकता हूँ अभी। तो वो देखो नीचे है, फिर उसको पता चल गया होगा मैंने सारे डायमंड्स ले लिए हैं, वो ऊपर आने वाला होगा। हाँ आ गया, अब मैं इसको ट्राइडेंट से मारता हूँ, और वो मेरा ट्राइडेंट मिस हो गया, इसने ले लिया। शिट, मेरा ट्राइडेंट इसने ले लिया। मैं इसको स्काई ग्लास से क्यों मार रहा हूँ, मैं इसको मार तलवार से मारूंगा। ये मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा, वो कैसे मर नहीं रहा है, मर जा मर जा मर जा। अरे ये तो भागने लगा, मुझे फिर से भाग नहीं, बहुत दूर तक हुआ, ये बिना मुझे बिना तलवार के क्यों मार रहा है। तो इसने फिर भागना शुरू कर दिया, पर मैं इसको पकड़ के आज मार के रहूँगा। ये मेरा लास्ट चांस है कि मैं अपना घर वापस ले सकूँ, और मैं इसको मार लूँगा जिससे मेरा घर वापस मिल जाए मुझे। ये फिर भाग गया, बहुत अच्छे से भागता है, भागना बहुत अच्छा है। तो आखिरकार मैंने इसको कोने में फंसा के मार ही दिया। तो गाइस मैंने अपने भाई से अपना घर डायमंड और डायमंड आर्मर वापस ले लिया है, और अभी मेरा घर हो गया है। थैंक यू देखने के लिए, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।